इन दिनों देवास जिले के कन्नौज शहर में स्थित आरसी कुंडल एवं संस भारत पेट्रोलियम पर रिटेलर के द्वारा जिला कलेक्टर के आदेश को ताक पर रखकर बॉटल केन आदि में पेट्रोल बेचा जा रहा है। ऐसे में असामाजिक तत्व शीशी या बॉटल में ले जाया जा रहे पेट्रोल का बम के रूप में इस्तेमाल कर लेंगे तो इसकी जवाबदारी किसकी होगी। जिला कलेक्टर श्रीकांत पांडे के आदेश अनुसार जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए और आमजन की सुरक्षा के मद्देनजर कोई भी पेट्रोल पंप संचालक शीशी बॉटल में पेट्रोल डीजल नहीं बेचेंगे। उक्त मामले की जानकारी जिला कलेक्टर श्रीकांत पांडे को मिलते ही कार्रवाई के लिए तत्काल प्रभाव से कन्नौज अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को उचित कार्रवाई के लिए निर्देशित किया। कन्नौज खाद्य अधिकारी सर, कल रात को आरसी कुंडल एंड संस भारत पेट्रोलियम पर बॉटल में पेट्रोल देने का वीडियो कलेक्टर महोदय के द्वारा आपको कार्रवाई के लिए नियुक्त किया गया है, क्या कार्रवाई की गई है आपके द्वारा? मेरे द्वारा जो है संबंधित पेट्रोल पंप जो प्रभारी है जो बुरानी जी, उनको बुलाया था और उनने कहा कि वो सेल्समैन जो जिसने भर्ती हुए बताया गया उनको भी बुलाया गया, वो खेत में काम कर रहा है। तो आने के बाद उसकी फुटेज वगैरह देख के और नियमानुसार हम उसके बयान दर्ज करेंगे और जो भी अनियमितता उसका प्रकरण बना के एसडीएम साहब के माध्यम से कलेक्टर महोदय को भिजवाया जाएगा। आरसी कुंडल एंड संस पेट्रोल पंप जो बस स्टैंड के पास है वो खुली बोतल में पेट्रोल बेच रहा था, क्या कार्रवाई की गई है सर आपके द्वारा? मैं उसको आपका जो सूचना मिला है उसके बाद में जो वीडियो देखा है इसके तत्काल मतलब मैं उसका एक पंचनामा मनवाया हूँ और ये जो संबंधित खाद्य विभाग के अधिकारी यादव को मतलब निर्देशित किया कि उन पर जो अपने नियमानुसार कार्रवाई के लिए नोटिस जारी करें और तत्काल मतलब उस पर जो है कार्रवाई तामील कराएँ। दोपहर न्यूज़ के लिए कन्नौज से चंचल भारती की रिपोर्ट।